अपने लक्ष्य को पूरा करना हमें खुशी देता है, लेकिन हमारा ये सोचना कि खुशी केवल लक्ष्य हासिल करने पर ही होगी, खुशी के हमारे दायरे को सीमित कर देता है। असल आनंद जो हमें पसंद है वो करते रहने में है, और इस प्रक्रिया में हमारे लक्ष्य भी अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। आपको बताएंगे ये 3 कदम जो आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। आप जब भी किसी सफल व्यक्ति से बात करेंगे, वो हमेशा नई कंपनी खड़ी करने या कुछ ऐसा हासिल करने की बात करेगा जो पहले से ज्यादा कठिन हो, यानी कुछ और पार लेने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे जितने नए काम शुरू किए जाते हैं उनमें से बड़ी संख्या में असफल हो जाते हैं। अब यदि नया काम शुरू करने वाला प्रत्येक व्यक्ति शुरू में ही सफल होने और मुनाफा कमाने के बारे में सोचने लगेगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। ये मानसिकता संतुष्टि के भाव को प्रभावित करने लगती है। इंटरनेट पर लाइक्स की संख्या सफलता का पैमाना बन गई है। कितना ही कमा लें, किसी क्षेत्र में कितना ही आगे बढ़ जाएं, हमारे कदम थमते नहीं हैं, क्योंकि और अधिक हासिल करने की हमारी चाह लगातार बनी रहती है। पहला कदम, क्या चाहते हैं आप? जितना सरल ये लगता है उतना है नहीं। लोगों को अपनी पसंद जानने में पूरी उम्र लग जाती है। यदि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको असल में क्या पसंद है, तो अपने करीबी लोगों से पूछें कि आपके भीतर उन्हें क्या विशेष लगता है। यह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण भी ये जानने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरा कदम सफलता की ओर, जो पसंद है वो ही करें। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा हम काम करते हुए बिता देते हैं, तो क्यों ना मनपसंद काम ही किया जाए। लोगों को मलाल बना रहता है कि वे अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाए। कारण, लोग अक्सर किसी विशेष प्रकार का काम या औदा तलाशते हैं, जबकि वे अपने हुनर का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं। तीसरा कदम, ना हारे हिम्मत। कभी कभी बड़ी चुनौतियों से हम घबरा कर हिम्मत हारने लगते हैं, जबकि हो सकता है कि वो समस्या कभी आए ही ना। जरूरी है कि हम एक एक कदम करके आगे बढ़ें। धोखे से जीतना असल जीत नहीं है। ईमानदारी बरत कर धीमी गति से आगे बढ़ना धोखे से जीतने से कहीं ज्यादा बेहतर है। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।